अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 5 के साथ द फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारे पास हर एक क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शंस गिवन होंगे और इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हमने उसी करेक्ट वाले ऑप्शंस को यहाँ से चूज करना होगा। पार्ट नंबर फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 के फैक्टर यहाँ पर कौन से होंगे। तो यहां पर अगर इसको देखा जाए तो हमने इसको फैक्टराइज करना होगा बाय मिड टर्म ब्रेक मेथड। हमने ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिसको ऐड किया जाए तो उससे -5 आ जाए और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे 6 आ जाए। तो यहाँ पर वेरी इजी, वो दो नंबर हमारे पास है, एक है हमारे पास -2x और दूसरा हमारे पास है -3x बन जाएगा +6। -2 और -3 को हम जब ऐड करेंगे तो उससे हमारे पास -5 आएगा और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास आ जाएगा 6। अब यहाँ से हम x कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा x -2 और यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो इधर रह जाएगा हमारे पास x -2। अगेन x -2 कॉमन हो गया तो इधर रह जाएगा x -3। अब यहाँ पर देखिए तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है ऑप्शन नंबर बी, एक फैक्टर हमारे पास x -2 और दूसरा हमारे पास यहाँ पर है x -3। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह पार्ट नंबर 2 फैक्टर्स आर, हमने इसके भी फैक्टर लिखवाने तो ये भी इंतहाई आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये अगर देखा जाए तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है, हम इस टर्म को लिखवा सकते हैं 2x³ और 27 को हम लिख सकते हैं 3y³। अब ये फार्मूला बन गया हमारे पास a³ + b³ वाला, लेकिन यहाँ पर a की जगह हमारे पास 2x है और b की जगह हमारे पास 3y आया हुआ है, तो हम जब इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 2x+3y ये इंटू 2x² - 2x इंटू 3y एंड प्लस 3y² तो ये बनेगा हमारे पास 4x² 2 3 6xy और ये बन जाएगा 9y² और ये वाला टर्म अपनी जगह पे मौजूद है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन ये बनता है, तो फार्मूले के मुताबिक आप लोगों के पास 2x+3y तो 2 ये भी हमारे पास, लेकिन सेकंड टर्म हमारे पास यहाँ ये नहीं बन सकता। ऑप्शन बी को देखा जाए तो ये भी हमारे पास नहीं बनना। अब ऑप्शन सी और डी में हमारे पास एक ट्रिक होगा, अब यहाँ पर तो माइनस है लेकिन यहाँ पर प्लस, तो माइनस वाला तो हमारे पास नहीं होगा क्योंकि फार्मूले में हमारे पास यहाँ पर प्लस है, तो बाहर प्लस आएगा इनसाइड माइनस हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है, इसलिए कि यहाँ पर बाहर हमारे पास पॉजिटिव और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी को ही मार्क कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारे पास बन गया करेक्ट। नाउ पार्ट नंबर 3, 3x² - x एंड -2, इसके भी फैक्टर्स हमने लिखवाने, तो हमने इसको फैक्टराइज करना है और देखना है हमारे पास कि ऐसे वो नंबर कौन से होंगे जिसको ऐड किया जाए तो उससे हमारे पास -1 आ जाए और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 × -2 - x आना चाहिए। तो इट्स वेरी इजी, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा -3x + 2x एंड -2। -3 के साथ जब हम 2 ऐड करेंगे तो -1 आएगा और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, तो ये हमारे पास वो दो नंबर्स है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 3x कॉमन है तो इधर रह जाएगा x -1 और यहाँ पर 2 कॉमन है तो x -1, ये बनेगा अगेन x -1 एंड 3x+2। इसको हमने हल कर दिया बाय मिड टर्म ब्रेक मेथड। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोग, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास x -1 और 3x+2 वाला कौन सा है, तो वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक फैक्टर हमारे पास x -1 और दूसरा हमारे पास है 3x+2। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारे पास इसी का करेक्ट है और ये दोनों हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं। नाउ पार्ट नंबर 4, a⁴ - 4b⁴। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि इसका भी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो
इट्स वेरी इजी, फार्मूला ओपन करेंगे, सवाल हमारे लिए यहाँ पर इंतहाई आसान है। ए पावर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और 4b पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2b स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो ये फार्मूला हमारे पास बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, लेकिन यहाँ पर ए की जगह तो ए स्क्वेयर है और बी की जगह यहाँ पर है हमारे पास 2b स्क्वेयर, तो इन दोनों को हम एक दफा प्लस करेंगे ए स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर, और एक दफा इनको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये अब मजीद हमारे पास, हम इसको मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन सी ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी और डी में हमें यहाँ पर देखना हो कि विच वन इज करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास ए स्क्वेयर माइनस 2b स्क्वेयर और ए स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर, तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर 4 के लिए करेक्ट ऑप्शन है, और ये दोनों हमारे पास इसके फैक्टर थे। अब यहाँ पर माइनस वाला पहले, यहाँ पर हमने बाद में लिखा तो कोई इशू नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखवाते हो या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखवाते हो तो रिजल्ट पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाउ मूव कर लेते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है कि व्हाट विल बी एडेड, यहाँ पर क्या ऐड किया जाए कि ये हमारे पास एक कंप्लीट द स्क्वायर, मतलब कि एक परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास बन जाए, फार्मूला हमारे पास बन जाए। तो यहाँ पर देखिए ये 9a स्क्वायर और ये -12ab, तो 9a स्क्वायर मीन कि ये आप लोगों के पास बन जाएगा 3a का होल स्क्वायर। तो अब ये पूरा टर्म हमारे पास एक ही जगह आ गया, और ये वाला जो टर्म है हमारे पास -2ab, हमने इसको 2ab फॉर्म में लिखवाना है, तो एक ही जगह तो हमारे पास 3a आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने वो b वाला टर्म लिखवाना है कि यहाँ पर b वाला टर्म कौन सा होना चाहिए जिसको हम यहाँ पर इसके साथ एड केयर करें तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, हमारे पास फार्मूला बन जाए। तो यहाँ पर देखिए ये 12 है हमारे पास, तो वो ऑप्शन आप लोगों के पास -16b स्क्वायर, तो -16b स्क्वायर तो नहीं हो सकता 16b स्क्वायर, क्योंकि आप लोगों के पास बेसिकली बनता है 4b का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर b की जगह 4 लगाते हैं तो 4 3 12 एंड 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24 आता है, और यहाँ पर हमारे पास 12 है सिर्फ, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी ये करेक्ट है, इसलिए कि जब हम यहाँ पर इस 4b को लगाएंगे और 4b को हम पे लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, तो इधर भी हम लगा लेते हैं 2b, तो यहाँ देखिए 2 3 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 2, वापस 12 हमारे पास आता है। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, जब हम इस टर्म को इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 6, फाइंड एम सो दैट इज अ कंप्लीट स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हमने एम को लगाना है कि एम की जगह हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये हमारे पास एक स्क्वायर मतलब कंप्लीट बन जाए, फार्मूला हमारे पास बन जाए। तो बड़ा सिंपल है, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, 4x को हम लिखवा सकते हैं 2ab फॉर्म में, तो ए की जगह हमारे पास x आ गया और b की जगह यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, तो आप लोग के पास जो b की जगह टर्म आएगा वो 2 स्क्वायर होगा, और 2 स्क्वायर आप लोग के पास बराबर है 4 के, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये आप लोग के पास कंप्लीट हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया आप लोगों के पास, और हमने यहाँ पर कौन सा नंबर ऐड किया, हमने यहाँ पर 4 को ऐड कर दिया, और हमने यहाँ पर m की जगह, मतलब ये हुआ कि हमारे पास m की जगह 4 आएगा, जब हम m की जगह 4 लगाएंगे तो ये आप लोग के पास एक फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर सी। पार्ट नंबर 7, फैक्टर्स ऑफ, इसके भी हमने फैक्टर लिखवाने हैं, तो इसके फैक्टर लिखवाने के लिए आप लोगों ने मिड टर्म ब्रेक यूज करना है, ऐसे दो नंबर पॉइंट करने हैं जिसको ऐड करे तो -17 आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करे तो 12 मल्टीप्लाई बाई 5 -60 आ जाए। तो इट्स वेरी इजी, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पर ये है 5x² -20xy +3xy एंड -12y² देखिए -20 के साथ
जब हम 3 ऐड करेंगे तो इससे आएगा -17, तो वापस वही आ रहे हैं हमारे पास। और अगर हम -20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो इससे आ जाएगा -16, 12 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ देखिए, इन दोनों में हमारे पास कॉमन है 5x, इधर रह जाएगा x-4y। इन दोनों में कॉमन है हमारे पास 3, और साथ y भी कॉमन है, तो इधर भी रह जाएगा हमारे पास x-4y। अगेन x-4y कॉमन हो गया, तो इधर रह गया हमारे पास 5x+3y। तो यहाँ देखिए आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन, तो एक फैक्टर x-4y आ गया और दूसरा आप लोग के पास 5x+3y आ गया। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, और ये दोनों हमारे पास इसके क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगले की तरफ मूव कर लेते हैं, पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 भी हमारे पास फार्मूले बनता है, a³ - b³ वाला सिंपल फार्मूला है हमारे पास। हम 27 को लिखवा सकते हैं 3x³, और 1/x³ को हम लिख सकते हैं 1/x³। तो ये टर्म हमारे पास पूरा a की जगह आ गया और ये टर्म हमारे पास b की जगह आ गया, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो फार्मूले में हमारे पास बाहर माइनस आएगा और इनसाइड हमारे पास हर टर्म के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। तो ये कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने इस फार्मूले को ओपन करना है। तो ये बनेगा आप लोगों के पास a², उसके बाद आप लोगों के पास फिर ये बन जाएगा +ab और +b². तो यहां से x और x कैंसिल हो गया, सो 3x-1/x अपनी जगह पे आ गया, और ये बन गया हमारे पास 9x², इधर रह गया 3 और इधर हमारे पास आ गया 1/x². सो ऑप्शन नंबर ए, ए हमारे पास यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है, और यही हमारे पास इसके फैक्टर बन जाएं, क्योंकि 3x-1/x एक फैक्टर हमारे पास ये हो गया, ऑलरेडी हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, और दूसरा फैक्टर हमारे पास ये हो गया विच इज दिस वन। तो इसके साथ हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस वाले थे तो यहाँ कंप्लीट हो गए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास किसी भी किस्म के ऑप्शन गिवन नहीं है, हमने यहाँ पर खुद से इसको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक से। पहले सवाल में तो हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमने इसको यहाँ पर फिल करना होगा और देखना होगा कि यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू लगा दी जाए कि ये इसके बराबर आ जाए। अब यहाँ पर x² + 5x है हमारे पास +6 है, तो यहाँ पर हमने इसको फैक्टराइज करना है बाय मिड टर्म ब्रेक मेथड, और फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है, सिंपल x² + 2x + 3x + 6। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x+2 रह जाएगा, और इधर से 3 कॉमन करेंगे, सो अगेन x+2, इधर आ जाएगा हमारे पास x+2 × x+3। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमने इसको फैक्टराइज कर लिया मिड टर्म ब्रेक से, दो नंबर हमारे पास फाइंड किए हमने, 2 + 3 5 आता है, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो जो रिजल्ट होगा हमारे पास इसका वो बन जाएगा x+2 × x+3। इसी तरह अगर इसको देखा जाए तो हम इसको भी फैक्टराइज करेंगे, आसानी के साथ हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। एक तरीका आप लोग के पास तो ये कि आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखवा दो 2a² और इसको लिखवा दो 4² एक दफा प्लस हो जाएगा, एक दफा माइनस हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास इसका ये होगा कि हम यहां से 4 कॉमन करें, जब 4 कॉमन करेंगे तो इधर रह जाएगा a² - 4। अब ये बनेगा a² और 4 कॉमन लिख सकते हैं 2² तो ये बनेगा, एक दफा इसको हम प्लस कर देते हैं और एक दफा हम इसको माइनस कर देते हैं, या इसको एक दफा आप लोग माइनस करो और एक दफा प्लस करो, तो कोई इशू नहीं है, रिजल्ट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एक ऑप्शन तो आप लोग के पास ये है कि आप लोग 4 पहले कॉमन करो और उसके बाद इस पे फार्मूला अप्लाई करो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास स्क्वायर करने का ये है कि हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिखें 2a² और -4² तो एक दफा इसको हम माइनस कर देते हैं और एक दफा हम इसको प्लस कर देते हैं। अगेन यहाँ पर देखिए, इधर भी 2 कॉमन है और इधर भी 2 कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 बन जाएगा।
तो कोई इशू नहीं, आप लोग इसको जिस तरह भी हल करना चाहो, रिजल्ट आप लोग के पास फिर भी वही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका करेक्ट रिजल्ट हो गया। नाउ पार्ट नंबर थर्ड कि हमने इसको कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर हम यहाँ पर साथ ऐड करें कि ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाए, कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास बन जाए। तो इट्स वेरी इजी, कुछ मुश्किल नहीं है। ये टर्म हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर, आप लोग देख सकते हो, टू ए का होल स्क्वायर। अब ये टर्म हमारे पास टू ए बी की जगह है, तो हम इधर लगा देते हैं टू ए बी, तो ए की जगह तो हमारे पास टू ए आ गया। अब टू मल्टीप्लाई बाई टू, फोर, फोर तो पूरा हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास कमी जो है वो बी की है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा बी। इट मीन देट जो अगला टर्म होगा हमारे पास वो बी स्क्वायर होगा, तो टू जार फोर, ए बी वापस हमारे पास आता है। तो हम यहाँ पर बी स्क्वायर को अगर इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा फार्मूला, टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बन गया हमारे पास। और ये हमारे पास सिंपल फार्मूला है, हमारे पास सिर्फ नेगेटिव वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पूरा टर्म हमारे पास है ए की जगह, और ये पूरा टर्म हमारे पास है बी की जगह। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये हमारे पास बेसिकली इस तरतीब से आता है। आप लोगों को यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको समझ सको, और इससे रिलेटेड हम इसी चैप्टर में सवाल भी कर चुके हैं 5.1 में। ये आप लोगों के पास है एक्स और वाई का होल स्क्वायर, टू को हमने टू ए बी फॉर्म में लिखवा देना है, और ये बन जाएगा वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये टर्म हमारे पास ए की जगह आ गया और ये टर्म हमारे पास बी की जगह आ गया, तो ये बन गया हमारे पास एक्स ओवर वाई माइनस वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये टर्म ए हो गया और ये टर्म पूरा हमारे पास बी बन गया। इसी तरह फाइव नंबर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। अब यहाँ पर कौन सा वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, लेकिन यहाँ पर ए की जगह एक्स है और बी की जगह वाई है, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बन जाएगा। बाहर प्लस तो अंदर हमारे पास माइनस है, तो ये फार्मूला हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, लेकिन ए की जगह हमारे पास यहाँ पर एक्स है और बी की जगह हमारे पास वाई है। पार्ट नंबर सिक्स में फैक्टर फॉर्म ऑफ, इसके हमने यहाँ पर फैक्टर लिखवाने हैं कि इसके फैक्टर्स हमारे पास, जिसकी फैक्टराइज फॉर्म हमारे पास होगी वो कौन सी बनेगी। इट्स वेरी इजी, कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल हम इसको फॉर्मूले की शक्ल में लिखवा देते हैं, एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और फोर स्क्वेयर। तो एक दफा हम इसको माइनस कर देते हैं और एक दफा हम इसको प्लस कर देंगे। माइनस वाला हमारे पास दोबारा फार्मूला बनता है एक्स स्क्वेयर माइनस टू स्क्वेयर, और ये तो अपनी जगह पे आ जाएगा, दोबारा फार्मूला बन गया। एक दफा इसको हम माइनस कर देंगे और एक दफा प्लस, सो एक्स स्क्वेयर प्लस फोर। तो हमारे पास इसके जो फैक्टर हमारे पास आ गए, इसकी जो फैक्टर फॉर्म थी हमारे पास वो थी एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर। सो इट्स वेरी इजी, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने सवाल को समझना है और इसके बाद आप लोगों ने उसके फैक्टर फॉर्म लिखवा देना है। नाउ पार्ट नंबर एट। सो पार्ट नंबर एट भी आसान है, सिंपल है कि इफ एक्स माइनस टू इज द फैक्टर, अगर इसका वो फैक्टर है हमारे पास एक्स माइनस टू, सो देन वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ की। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू टू पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा आप लोग के पास पी ऑफ टू, टू स्क्वेयर प्लस टू के इंट टू एंड प्लस एट, टू स्क्वेयर बराबर है फोर के, टू मल्टीप्लाई बाई टू, ये भी आप लोग के पास बन जाएगा फोर के प्लस एट, एट और फोर बन जाएगा आप लोग के पास ट्वेल्व। लेकिन यहाँ पर क्या था कि एक्स माइनस टू फैक्टर है, तो इट मीन दैट ये जो रिमाइंडर होगा हमारे पास ये बराबर हो जाएगा जीरो के, तो ये बनेगा ट्वेल्व प्लस फोर के इज इक्वल टू जीरो। ट्वेल्व को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास माइनस ट्वेल्व, और फिर दोनों साइड को डिवाइड करेंगे फोर पे, तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को और फिल इन द ब्लैंक्स को समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसी रिवीजन एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जिसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है,
उसको अल करेंगे। अल्लाह हाफिज।